हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, यंग पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 4 साल, 5 साल या इवन 7-8 साल के, उनको मैं देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की जनरेशन पेरेंटिंग ठीक से नहीं कर रही है। बच्चों को जिद्दी बना रहे हैं, बच्चों की हर डिमांड पूरी करते चले जा रहे हैं। सारी माओ का कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, किसी का ये कंसर्न नहीं होता कि मेरा बच्चा ठीक से इतना जिद्दी क्यों हो रहा है, या मेरा बच्चा कहना क्यों नहीं मान रहा है, या मेरा बच्चा अपने बड़ों से मिसबिहेव क्यों कर रहा है। किसी का ये कंसर्न लेके कोई पेरेंट मेरे पास नहीं आता है। मैं सब माओं से कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी पालन और पोषण की है, और आप सिर्फ पोषण के पीछे पड़े हो। माँ का काम है कि उनकी माँ को लगता है कि अगर मेरे बच्चे के पेट में कुछ भी चला गया तो लगता है उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, उनका काम पूरा हो गया। बच्चे ने खा लिया तो इसका मतलब कि उनका सारा उनका उनका कर्तव्य पूरा हो गया। तो मैं सारी माओ से, सारे पेरेंट्स से, पिता भी इसमें शामिल है, उनसे कहना चाहूँगा कि भगवान ने आपको बच्चा दिया है और इसको पालने के लिए आपको पालन पोषण की जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ पोषण की जिम्मेदारी नहीं है कि आप चाहें सिर्फ उसका पेट भर जाए, आपकी जिम्मेदारी उसके पालन की है। पालन का मतलब होता है कि आप उसको संस्कार कैसे दे रहे हैं, आप उसकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से बड़ा होकर, उसको किस तरह का आप पौधा बड़ा होकर देखना चाहते हैं। तो यही दोस्तों, आज मैं ऐसी भी तरह से अपने आपका वीडियो बना के मैं अपने पेरेंट्स को, जो मेरे बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस तरह से अगर आप बच्चे पालेंगे तो आगे जाके आपका बच्चा एक कमजोर इंडिविजुअल बनने जा रहा है। अब देखिए, जमाना बदल रहा है, अब आपका बच्चा नॉलेज के बेसिस पे नहीं आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा रीजनिंग और लॉजिक के बेसिस पे आगे बढ़ेगा। नॉलेज तो अलेक्सा के पास है, आप अलेक्सा से पूछिए, आपको तमाम चीजें खटखट खटखट वो बता देगी। तो अगर आपका बच्चा भी इतनी नॉलेज ले रहा है तभी वो अलेक्सा के बराबर नहीं जान पाएगा। तो चाहे आप अपनी नॉलेज देख लीजिए, आपको अलेक्सा से ज्यादा नहीं आता है। अब आने वाला जमाना जो है वो लॉजिक पे चलेगा, रीजनिंग पे चलेगा। तो अपने बच्चे को लॉजिक और रीजनिंग सिखाइए। बहुत बहुत बड़ी कंपनीज आप देखिए, वो लोग डिग्री नहीं मांगते हैं, वो बच्चे की देखते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है। अगर वो बंदा उसके लिए यूजफुल है तो उसको जॉब पे हायर कर लेते हैं। आप देखिए, गूगल पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाइए, दे डोंट आस्क फॉर योर डिग्रीज, वो आपके स्किल्स देखना चाहते हैं। तो स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? स्किल्स सिर्फ बीटेक और एमटेक या एमबीबीएस करने से या कोई सिर्फ डिग्री लेने से आपके बच्चों की स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। पुराने जमाने में अपने, जो आपने देखा होगा कि राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ने कहाँ भेजते थे, सोचिए आप, अपने बच्चों को पढ़ने वो ऋषि मुनि के पास जंगल में भेजते थे। क्यों भेजते थे? अगर वो चाहते तो ऋषि मुनि को उठा के कहते कि भैया तुम जंगल में आ जाओ, अब तुम हमारे महल में आ जाओ, मैं तुम्हें कमरा दे रहा हूँ, मेरे बच्चों को यहीं पढ़ाओ आके। मगर वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मेरा बच्चा जंगल के, जो अपने महल के कंफर्ट जोन से निकले, जंगल में जाके जमीन पे सोए, पत्तों में खाना खाए, दिन भर परिश्रम करे, व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, धनुष चलाना सीखे, लड़ना सीखे, सारी विद्या उसको जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनको दिया करते थे। इससे जाके फिर वो एक बच्चा स्ट्रांग बच्चा बनता था, उसको हर माहौल में रहने की आदत पड़ती थी। उसके बाद फिर जब वो आता था अपने महल में वापस, तब वो एक राजकुमार बन के आता था, और राजकुमार इस लायक होता था कि वो अपने राजपाट को बचा सके। तो ये सोचिए कि जब पुराने जमाने में हमारे गुरुकुल की जो चलती थी परंपरा, उसमें राजा महाराजा अपने कंफर्ट जोन से बच्चों को निकाल के तकलीफ में डालते थे, तो हम लोग अपने बच्चों को क्यों इतना राजा बाबू बनाते चले जा रहे हैं? मैं सारे पेरेंट्स से अपने जो आता हूं कि अपने बच्चे को राजा जरूर बनाइए, बट राजा बाबू नहीं बनाइए। हमारे पेरेंट्स आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने अपने बच्चों को राजा बाबू बना रहे हैं, हर डिमांड पूरी कर रहे हैं। बच्चे के पास खिलौनों के अंबार लगे हुए हैं, आप बच्चे के कमरे में चले जाइए, एक दिन में वो खिलौना आता है, तोड़ फोड़ के वो फेंक देता है, फिर दूसरे दिन नया खिलौना आ जाता है। कमरों में अंबार लगा हुआ है, बट बच्चा उसके बाद भी जिद्दी है, उसको इसके बाद भी चाहिए। 100 खिलौने के होने के बाद भी उसको 200 खिलौने और चाहिए, दूसरे की चीज देख के वो रोने लगेगा, जिद करने लगेगा। तो इस तरह से देखिए, हम जा किधर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या लेके जा रहे हैं। जिस तरह का पौधा आप सींच रहे हो, बड़ा होके यही फल देगा। अगर आप अच्छे से नहीं सींचोगे इसको, तो जाहिर सी बात है ना, तो ये बहुत छायादार आपका वृक्ष बनने वाला है, ना ही बहुत अच्छे फल देने वाला आपका वृक्ष बन रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे सारे पेरेंट्स से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, जिसे कहते ना कि हम लोग के जमाने में कहते थे कि आप इसको सोने का निवाला खिलाइए, बट आपकी आंखों से उसका कंट्रोल होना चाहिए। आजकल माँ बाप को बच्चा मारने लगता है, जहां पर मेरी क्लिनिक में आते हैं, माँ कुछ कहती है तो माँ को मारने लगता है, बाप को मारने लगता है। इस तरह से कैसे संस्कार आप डेवलप कर रहे हो? इस तरह का अगर आप बच्चा डेवलप कर रहे हो तो आगे जाके वो आपको ही बुरा भला कहने वाला है। एक मिनट में बच्चा आपकी सारी मेहनत बेकार कर देगा, वो कहता है कि आपने तो मुझे खराब किया। आप, मैं छोटा था, आप तो समझदार थे, आप मुझे समझा सकते थे, आप मुझे सिखा सकते थे, मगर आपने नहीं सिखाया, तो ये आपकी कमी है।
तो दोस्तों उस वक्त आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और अगर आपका बच्चा एक जिद्दी इंडिविजुअल और एक बहुत ही डिपेंडेंट किस्म का बच्चा बन रहा है तो आगे जाके वो आपके लिए भी प्रॉब्लम बनेगा और जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा। 8 साल का बच्चा हो गया, 7 साल का बच्चा हो गया, माएँ बैठ के अपने हाथ से उसको निवाला खिला रही हैं, आधे आधे घंटे में बच्चा मुंह खोलेगा तो खाना डालेंगी, टीवी चल रहा है, इस तरह की प्लीज़ आप लोग पेरेंटिंग मत कीजिए। मेरी आपसे बहुत जैसे कहिए विनम्र गुजारिश है कि प्लीज़ आपको अपने बच्चों को अगर अच्छे से पाल के बड़ा करना है तो उनको थोड़ा झेलने दीजिए, उनको थोड़ा सा सख्ती में रखिए। उनको बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको फिजिकली पनिश कीजिए, डांट मारिए, डांटिए मारिए, बट आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी आंखों का कंट्रोल होना चाहिए कि आपको वो समझे कि ये चीज़ गलत है, ये मुझे नहीं मिलेगी। बच्चा अगर जिद करके मांग रहा है कभी उसको कोई चीज़ मत दीजिए, बोलो कि अगर आप प्यार से मांगोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, अगर आप रो के जिद करके मांगोगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। बच्चे को कोड ऑफ कंडक्ट जो घर के डिसिप्लिन कोड है वो पते होने चाहिए कि माँ बाप किस बात पे हमारे राजी होंगे, क्या चीज़ हमें मिल सकती है, क्या चीज़ हमें नहीं मिल सकती है। बच्चे को ना सुनने की आदत डालिए क्योंकि जिंदगी में उसको हर चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यही आज का मेरा वीडियो का मकसद था कि अपने, क्योंकि मैं अक्सर रोज मैं देखता हूँ कि आजकल के जो यंग पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से उनकी पेरेंटिंग चल रही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं होता। मुझे अफसोस होता है कि बच्चा इतना जिद्दी हो रहा है कि बच्चा अगर किसी गेम में हार गया तो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, हारने के बाद वो माँ बाप से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, रो रहा है, चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है, तो दिस इज़ वेरी डैमेजिंग। मेरे ख्याल से अगर बच्चा अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो ये कितनी गलत बात है भाई। अगर कई बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी गेम हो रहा है तो उसमें हार जीत तो होनी होगी, बच्चे को हारना भी सिखाइए, हर समय जीतने की बात मत कीजिए। हारना भी एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि आप हारेंगे तो सीखेंगे कि किस तरह से आपको हारने के बाद बिहेव करना है। जीतना तो हर आदमी जीतता रहता है, आप देखिए कितने अभी यंग कितने लोगों ने जो हाईटेक जो थे उन्होंने सुसाइड किए हैं क्योंकि वो लोग को आदत नहीं थी फेलियर्स की। तो फेलियर इज एन ऑप्शन अपने बच्चों को सिखाइए, हारना इज एन ऑप्शन बच्चों को बताइए, बच्चों को बताइए कि जिंदगी में आपको हर चीज नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना ये वीडियो बनाऊं और अपने जो यंग पेरेंट्स हैं, जो नए नए माँ बाप बने हैं, जाहिर सी बात है मुझे मालूम है कि आजकल की पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, स्ट्रेसफुल जिंदगी है, उन्हें लगता है कि बच्चा मुझे तंग ना करे, मैं ऑलरेडी मग्ड अप हूँ, मैं अपने काम में परेशान हूँ, तो उनको सारी आसानियाँ देते जा रहे हैं। बट इस बीच में आप ये सोचिए कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप दिन भर दिन रात अगर काम कर रहे हैं तो इस औलाद के लिए तो कर रहे हैं, अगर ये औलाद ही बड़ी हो कि आपकी अगर सही से नहीं निकल पा रही है तो आपकी इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है, जो हाउस वाइफ हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चे को जिद्दी ना होने दें, उसकी हर जिद को पूरी ना करें, उसकी हर डिमांड को पूरी ना करें। अगर आपके पास पैसा है भी तब भी उसको ना सीखने की आदत डालें, दादी दादा से उसका कांटेक्ट बना के रखें कि दादी दादा उसके बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसको कहानियां सुनाते हैं, घर में डिसिप्लिन बनाएं, उसको बताएं कि अगर तुम रो के चीजें मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम प्यार मोहब्बत से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, छोटों से चीजें शेयर करना सिखाएं, बच्चों के मतलब हर चीज उसकी जो कहते हैं ना कि उसके कंफर्ट जोन से उसको निकालिए, थोड़ी उसको तकलीफों में भी रहने की आदत डालिए कि हर समय उसको हर आसानी आप मत दीजिए, खाना उसको अपने हाथ से खिलाइए, 2 साल के बच्चे की बॉटल छुड़ाइए, उसको अपने सामने प्लेट में रखिए, 20 मिनट से ज़्यादा खाने का टाइम नहीं होना चाहिए। 20 मिनट में अगर आपका बच्चा खाना फिनिश कर रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप हटा लीजिए। स्क्रीन के साथ बच्चा खाना नहीं खाएगा, टीवी बंद करिए, मोबाइल बंद करिए और उसको कहिए कि खाना खा लोगे तो उसके बाद तुम्हारा टीवी लगाया जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी अपनी परवरिश में, बच्चे के लिए आप लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पेरेंटिंग की किताबें पढ़िए, पेरेंटिंग के लेक्चर्स देखिए, और अच्छा बच्चा अगर आप चाहते हैं कि आपका एक फ्रूटफुल इंडिविजुअल बने तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने बच्चे को अलेक्सा नहीं बनाना है, उससे आपको अलेक्सा को क्या नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आती, तो आपको अपने बच्चे को रीजनिंग सिखानी है ताकि वो बच्चा लॉजिक के तर्क पे अपना आगे बढ़ सके, उसको डिफरेंट सवाल के जवाब दीजिए, उसको सीखने दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आज के पेरेंट्स के लिए यूजफुल होगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग पेरेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।